इस वक्त इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग चल रही है उससे शायद ही कोई होगा जो वाकिफ नहीं होगा। फिलिस्तीन के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। हर पल कुछ ना कुछ नया सामने आ रहा है जो दिल दहलाने वाला है। इस बीच इजरायली वेब सीरीज फौड़ा के एक्टर लियोर रज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें लियोर दीवार के पीछे छिपते दिख रहे हैं और दूसरी तरफ आसमान में रॉकेट दिखाई दे रहे हैं। एक्टर के चेहरे पर खौफ भी साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उन्होंने सभी से अपील की है कि डरना नहीं है। बता दें, लियोर वहां बमबारी वाले एरिया में रहने वाले परिवार को बचाने के लिए गए थे। इस वीडियो में एक्टर अपने साथी के साथ दीवार की आड़ में छिपते दिखाई दे रहे हैं। बैकग्राउंड में धमाकों की आवाज़ आ रही है और आसमान में रॉकेट नज़र आ रहे हैं। दोनों बहुत डरे हुए हैं, लेकिन उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि चाहे जो हो जाए वो डरेंगे नहीं। इस पर लियोन ने आगे जानकारी दी, मैं जोहानन प्लेसनर और एवी शकारोफ साउथ की ओर गए और कैनन आर्म्स के लिए ब्रदर के कंपैशन में शामिल हो गए। साउथ में रहने वालों की मदद के लिए सैकड़ों वॉलंटियर्स को अलग अलग काम दिए गए हैं। हमें बमबारी वाले बुलेवार्ड से दो परिवारों को बचाने के लिए भेजा गया था। मेन बात यह है कि बिल्कुल भी ना डरे। बता दें, दोनों देशों के बीच लड़ाई शनिवार सुबह से जारी है। अब तक दोनों देश के कुल 1000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों में अमेरिका, नेपाल के साथ और भी देशों के लोग शामिल थे। इसराइल में अभी भी तबाही मची हुई है। हमास चुन चुन कर हमले कर रहा है, आसमान में लगातार रॉकेट दाग रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया दो ग्रुप्स में बट गया है। कुछ जानी मानी हस्तियां इसराइल पर हुए हमले की निंदा कर रही है, तो स्वरा भास्कर के साथ कई स्टार्स ऐसे भी हैं जो फिलिस्तीन को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। बता दें, सोशल मीडिया पर एक अलग ही जंग स्वरा भास्कर और कंगना को लेकर छिड़ गई है। जहां कंगना इसराइल को सपोर्ट करती नजर आ रही है, तो वहीं स्वरा भास्कर फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रही है। वहीं यूजर्स कभी कंगना को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, तो कुछ यूजर्स स्वरा का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स ने दोनों के इंस्टाग्राम अकाउंट को बैन करने की मांग कर दी है। वहीं रिसेंटली अक्षय कुमार का रिएक्शन भी इस पर सामने आया है, जिसमें अक्षय कुमार ने कहा है कि आतंकवाद पूरी तरीके से गलत है और वहाँ पर बच्चियों पर और महिलाओं पर जो भी टॉर्चर हो रहा है वो बिल्कुल सरासर गलत है, और मैं प्रे करता हूँ कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब कुछ शांत हो जाए। तो इस तरह का रिएक्शन कुछ अक्षय कुमार का सामने आया है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही टीवी और बॉलीवुड से जुड़े तमाम खबरें जानने के लिए फिल्मी बीट को आज ही सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी इसको फॉलो करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ।